फतेहपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशन अंसारी की कार जब्त कर ली गई है। ऑडी कार को पुलिस ने फिलहाल जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी गैंगस्टर के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मुख्तार अंसारी की पत्नी की ऑडी कार को फिलहाल पुलिस ने जब्त कर लिया। तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, आपको बता दें कि पिछले काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने की, और आखिरकार सरकार उसमें सफल होती है। और अब देखिए दूसरा एक्शन, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशन अंसारी की कार जब्त कर ली गई। और अगली ब्रेकिंग आपको हम बता देते हैं जो आ रही है जालौन से। शादी समारोह में तमंचे पर डिस्को, यानी कि देखिए हर्ष फायरिंग लगातार। आपको बता दें हर्ष फायरिंग को रोका गया है, हर फायरिंग के ऊपर रोक लगाई जा चुकी है। कानूनी तौर पर आपको बता दें जो गुना है इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं मानते। देखिए किस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो उस शादी समारोह में लोग मौजूद हैं किस तरीके से हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। और खुदा ना खास्ता अगर ये गोली किसी को लग जाती है तो ये खुशी का माहौल, गमगीन माहौल बदलने में इसको समय नहीं लगेगा। और यूपी बोर्ड से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, आपको बता देते हैं जो बेहद अहम है। जुलाई में जारी होंगे बोर्ड के रिजल्ट। तो आपको बता दें यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए ये बड़ी और अहम खबर, 10वीं और 12वीं के रिजल्ट होंगे जारी। यूपी बोर्ड के एग्जाम्स, तमाम बोर्डों के एग्जाम्स को इस बार रद्द कर दिया गया है कोरोना की वजह से। और अब देखिए ये बड़ी और अहम खबर, यूपी बोर्ड के तमाम छात्रों के लिए 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड रिजल्ट्स हैं वो जुलाई में जारी कर दिए जाएंगे। तमाम छात्र दिल थाम करके बैठे हैं कि आने वाला रिजल्ट क्या होने वाला है।